नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज़। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। कैंट स्थित ओल्ड पुलिस लाइन में धमाके की आवाज से फैली अफरा तफरी। मामला दरअसल यह है कि किसी स्थानीय निवासी द्वारा कचरे में कुछ ऐसा पदार्थ फेंका गया था, जिसके कारण अचानक कचरे में भारी धमाके के साथ एक ब्लास्ट हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह कोई पटाखे का धमाका नहीं था, बल्कि कोई अन्य ही चीज थी। वहीं करीब के घरों में धमाके की आवाज से बर्तन भी गिर गए, साथ ही धमाके की जगह खड़े चार पहिया वाहनों के कांच भी फूट गए। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी एवं कैंट पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पर क्या यह कोई सोची समझी साजिश थी या फिर अज्ञात कारणों के चलते ऐसा हुआ, यह कह पाना भी मुश्किल है। हालांकि पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर विवेचना शुरू कर दी है, लेकिन चुनावी माहौल में इस तरह के मामले सामने आना कहीं ना कहीं सुरक्षा विभाग की कार्रवाई के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह तो छोड़ ही जाते हैं। हम प्रतिदिन की तरह रोज हम कचरा भरने आते हैं, आज कचरा भर रहे थे। मैं गाड़ी में बैठा था ड्राइवर सीट पे, मैं ड्राइवर हूँ गाड़ी का, वो कर्मचारी इसमें कचरा भर रहे थे नीचे। वो कचरा भरने के बाद वो चलेगा, कचरा भर के वो सामान बांध के गाड़ी में चलेगा। थोड़ी दूर निकले वो, इतने में इतना बड़ा विस्फोट हुआ, धमाका इतना तेज हुआ है कि हम तक बहुत जोर से लगा गाड़ी के अंदर, कांच फूट गया, शीशे फूट गए गाड़ी में। तो आपको लगता है कि कोई पटाखा था या कुछ? नहीं, पटाखा नहीं था, पटाखे का धमाका नहीं है, कोई बड़ी चीज थी। काफी तेज धमाका था, बहुत तेज धमाका था, इतना तेज धमाका था कि एक एक किलोमीटर के आसपास से धमाके की आवाज सुनाई दी गई, एक किलोमीटर के दायरे के अंदर। और आसपास के जो मकान है, जो बता रहा है मकान वाले कि हमारे ना प्लस्तर कर गया मकान का, और जो टंकी होती है पानी की टंकी, उसका ढक्कन निकल गया। चढ़ा रही थी तो उसमें वो हत्ता तो हिल गया, तो जम आवाज आ गई, तो पूरी जनता इकट्ठे हुआ, तो कितनी जनता भर रहे थे, तो कचरा उठा के उसमें फेंक रहा ट्रैक्टर में, तो उसमें फड़ ही के रहा, कितनी देर आवाज थी आंटी, कितनी हम सोच रहे डीपी फाट गई, डीपी की भी ऐसे तेज नहीं होती, डीपी से भी ज्यादा आवाज आ गई थी डम। नहीं, अंदर क्या था, लेकिन बहुत तेज हुआ था धमाका, कोई बम तो छोटा मोटा फटाका तो नहीं था, वो तो बम टाइप था। आपके घर में भी कुछ नुकसान आप बता? हमारे पूरे झड़ गया, पूरा दीवारें झड़ गई, टंकी ढक्कन का वो सिंटेक्स टंकी ढक्कन ऊपर उड़ गया, अंदर के बर्तन नीचे गिर गए। उसके बाद आपने किसी को सूचना दी, क्या किया? नहीं, अचानक ही एकदम उसकी आवाज़ से काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए अपने आप ही, बगैर सूचना के। वो बहुत तेज़ आवाज़ थी, सब्जी मंडी और सब जगह के इकट्ठे लोग हो गए, वैसे ही हो गए इकट्ठे सूचना देने से पहले, क्योंकि बहुत तेज धमाका था। आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि पटाखा था या कुछ और? वो तो और कुछ था, पटाखा तो इतनी तेज आवाज़ नहीं आती पटाखे की, ना दीवारें हिलती, ना हो इतना नुकसान होता, यानी नुकसान से मतलब ये कि ना बर्तन गिरते, ना दीवार मलबा झड़ता पटाखे से। मामला ये है कि अभी जो नगर निगम की गाड़ी आती है वो कचरा यहाँ डाल के जाती है, कचरे फेंकने का स्थान भी है, तो कचरा फेंका गया, उसके बाद कचरे में आग लगाई होगी, तो आग की वजह से जो या तो संभवतः फटाका हो सकता है, तो उसमें विस्फोट हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पटाखे की जैसी तो आवाज़ नहीं थी, दूर तक घरों में इसकी आवाज़ पहुंची है, बर्तन वगैरह भी गिरे। हाँ, तो अभी अब अपन कुछ कह नहीं सकते, कचरे के ढेर में आग लगी थी और आग को बुझवा भी दी गई। पीजी कॉलेज के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में चल रहे महाविद्यालय जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आज फाइनल मैच गांधी वोकेशनल कॉलेज एवं अशोकनगर कॉलेज के मध्य खेला, जिसमें गांधी वोकेशनल कॉलेज की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 147 रन बना पाई। इसके जवाब में अशोकनगर कॉलेज की टीम ने 13 ओवर में 5 विकेट खोकर जीत हासिल की। एक बार फिर कपिल सामना करेंगे वीरेंद्र, संभल कर खेलना होगा वीरन से, और हल्के हाथों से अच्छी बॉलिंग करते हुए अशोकनगर के खिलाड़ी, अच्छे बल्लेबाज है मोहित, जरा कुछ खास कर नहीं पा रहा है अपनी टीम के लिए, और हाथों में
देवउठनी एकादशी बाजार में छोटी दिवाली की भी रौनक। छोटी दिवाली के रूप में माने जाने वाले देवउठनी एकादशी शहर सहित पूरे क्षेत्र में धूमधाम से मनाई जाएगी। इस पर्व को लेकर एक दिन पहले से ही बाजार में जोरदार रौनक देखने को मिली। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह माता तुलसी के साथ गन्ने के मंडप के नीचे किया जाता है। इसके चलते शहर में गन्ने की बिक्री भी देर रात तक जमकर होती है। पर्व की तैयारी को लेकर शहर के बाजार में जोरदार भीड़ देखने को मिली। तुलसी विवाह व पूजन के दौरान लगने वाले विभिन्न सामग्रियों की खरीदारी पूरे दिन बाजार में चलती रही। देवउठनी पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जोरदार उत्साह के साथ मनाया जाता है। किसानों के द्वारा देवउठनी एकादशी को फसल कटने के बाद के पहले पर्व मानते हुए से छोटी दिवाली के रूप में भी मनाते हैं। इसके साथ ही प्रारंभ हो जाएंगे मांगलिक कार्य। कार्तिक शुक्ल की 11 को मनाए जाने वाले इस पर्व के साथ ही विवाह संबंधी मांगलिक कार्य मुहूर्त भी प्रारंभ हो जाएंगे। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक अषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन देव शयन के बाद सभी मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाते हैं, जो देवउठनी एकादशी के साथ पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। साथ ही पटाखों की दुकानों पर भी भारी संख्या में बाजार में भीड़ देखने को मिली। गुना के प्रगतिशील नागरिकों ने जारी किया एक जन एजेंडा। शहर के नागरिकों द्वारा विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक जन एजेंडा जारी किया गया है। मीडिया में जानकारी देते हुए बताया गया कि विधानसभा में जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं वह बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर यह कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए गुना में एक जन एजेंडा जारी किया गया है। यह जन एजेंडा सभी उम्मीदवारों को बांटा जाएगा कि उन्हें जीतने के बाद क्या क्या काम करने हैं। आज यहाँ गुना के प्रगतिशील नागरिकों जागरूक लोगों ने मिलकर एक जन एजेंडा 2018 बनाया है। ये गुना विधानसभा के प्रत्याशियों के लिए बनाया है। अभी तक जितने भी प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं उन सब ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं कि कोई प्रदेश में स्कूटी बांटेगा, कोई मोबाइल बांटेगा, कोई लैपटॉप बांटेगा, कोई ये करेगा, कोई वो करेगा, पर पर्टिकुलरली हमारी गुना विधानसभा में क्या होगा ये किसी प्रत्याशी ने अभी तक नहीं कहा है। हम गुना में गुना के समय को भोगते हैं। हमें पता है कि गुना में क्या समस्याएं हैं। उन समस्याओं, उन अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को लेकर एक 11 सूत्री हमने जन एजेंडा तैयार किया है, जो जनता का एजेंडा है। ये एजेंडा हम सभी प्रत्याशियों के समक्ष भेज रहे हैं और उनसे अपेक्षा कर रहे हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि वे इस पर अपनी राय देंगे कि वे इनमें से कौन कौन सी चीज़ों को स्वीकार करते हैं और किन किन चीज़ों को अस्वीकार करते हैं। स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा हनुमान चौराहे पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक नाटक का आयोजन किया गया। विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो इसके लिए स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा हनुमान चौराहे पर एक नाटक के माध्यम से ये बताया गया कि आपका वोट कितना कीमती है एवं आपको वोट क्यों करना चाहिए। पर
फिर भी जागरूक लोग वोट डालने निकलेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए। 1000 हमारे गुना की जनता, आज हम गरीबी देख रहे हैं, सड़कें खराब है, जो नई सड़कें बनती है वो खराब ही निकलती हैं, फिर भी हम कभी कुछ कदम नहीं उठाते, हम कभी यहाँ के तमाशा खड़ा नहीं करते। तमाशा खराब तभी होता है जब हमारे घर पे कोई बात आती है, हम कभी समाज के बारे में कुछ नहीं सोचते। तो हमें यही, हम ये चाह रहे हैं जनता को, जनता जागरूक हो, अपने इस उंगली के अधिकार को नेताओं को बताए कि हमारे इस उंगली के अधिकार से, हमें हमारे इस वोट के अधिकार से हम पूरी जनता, हम सरकार पलट सकते हैं और हम एक अच्छा भारत चाहते हैं जो आपको बनाना ही होगा, वरना नोटा हमारे पास विकास का उपलब्ध, एक उपलब्ध चिन्ह है। आप सब छात्र हैं? जी हाँ। ये संदेश आप पूरे गुना में दे रहे हैं जाकर? जी हाँ, पूरे गुना में, हम शांति पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र हैं, हम सब यही संदेश पूरे गुना में जा रहे हैं ताकि लोग जागरूक हों और हमारे विकास, विकसित गुना की एक नींव रख सकें। मतदान दलों के लिए रखी गई मतदान ट्रेनिंग। आगामी 28 तारीख को होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाता दलों की ड्यूटी लगनी है, जिसके लिए आज उन सभी मतदान दलों के लिए ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें ईवीएम के बारे में उन्हें संपूर्ण जानकारी दी गई। 15 साल तक नहीं चलता, लेकिन फिर भी मैं जब वोट डालने पहुंचा तो वहां मेरे नाम पे लाइन भी जी हुई है, मतलब मेरा वोट दर्ज क्या होता था ऐसा, वो आप 6 बजे फाइनल बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो समय तो जान चलता है। सर अपने यहाँ होने वाली घटना है, अभी वो जो लोग व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे हैं उन्हें मजाक याद होगा। मतदान दलों की ट्रेनिंग है और ये मतदान दल मतदान केंद्रों पर जाकर के 28 नवंबर को निर्वाचन संपन्न कराएंगे। पूरी प्रक्रिया बताई जा रही है किस तरीके से हमें निर्वाचन को संपन्न कराना है, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से। निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश हैं उसके अकॉर्डिंग सभी को बताया जा रहा है कि हमें जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से संपन्न कराना है और चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना है। जच्चा बच्चा की हुई मौत, परिजनों का आरोप के डॉक्टर की लापरवाही के कारण मौत हुई है। जिला चिकित्सालय के प्रसूति वार्ड में भर्ती एक जच्चा बच्चा की कल रात मृत्यु हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण जच्चा बच्चा की जान गई। तो क्या बोले डॉक्टर साहब, भर्ती करने के बाद फिर क्या बोले? भर्ती बोले काम डाल दी बाबा, बोल चला इलाज करवा दे, पापा इलाज करवा दो, चले नहीं को। तो मैं, आपने डॉक्टर से बोले तो उन्होंने क्या कहा आपसे? डॉक्टर साहब तो बोलने के लिए हमारा सब प्लेट में ही थी वहां। मैडम क्या बोली आपको? कर दन इलाज कर दन बस जी। मैडम ने कह दई तो कुछ बच्चा होने वाला है, बच्चा होने वाला है भैया, बच्चे हमने भी कहा तुम भैया बच्चा उड़ा दो। जमीन आ गई फिर कौन सुनवाई नहीं करी बिल में, फिर क्या हुआ? कितनी देर तक परेशान रहे आप लोग? परेशान सभी थे, 1-2 बजे थी। 2 बजे से हाँ, वहाँ से वहाँ से कहाँ के रहने वाले हो? चिड़िया रहने, कौन सी चिड़िया? करो चिड़िया के रहने वाले हो, महिला का नाम क्या था? रश्मि भाई तो कब 2 बजे लेके आए आप? 2 बजे कागज धरे हैं लेने वाले। अच्छा, तो कागज आपके पास नहीं है? मैडम के पास, मैडम पास है। तो उसको अभी बताया जा रहा है कि इनको डेंगू था क्या? डेंगू भी था क्या? इनको डेंगू था क्या? इनको
पहले तो बीमार थी क्या कल शहर के हनुमंता मंदिर पर विशाल भंडारे अन्नकूट का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंदिर को बहुत ही आकर्षक ढंग से सजाया भी गया था, साथ ही हनुमान जी की प्रतिमा को भी बहुत ही आकर्षक ढंग से सजाया गया था। महाआरती के बाद 56 भोग लगाकर महाप्रसादी का वितरण किया गया। इस मौके पर सभी श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से प्रसादी ग्रहण की। इसके साथ ही जस्तम चौराहे स्थित लक्ष्मीनारायण मंदिर पर भी अन्नकूट का आयोजन किया गया। वहाँ पर भी भारी भीड़ श्रद्धालुओं की देखी गई। और विशाल भंडारा है, आप सभी के लिए ही रखा गया है। महिलाएं धक्का मुक्की न करें, आपस में न लड़ें। कार्यकर्ताओं से न बोले, हमारी कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं किसी प्रकार से कि धक्का मुक्की न करें। तो भाई श्री हनुमंता मंदिर पर श्री आनंद जी भार्गव चाचा न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।